यहाँ पर उस चुड़ैल को देखे जाने का दावा किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बच्चों की रोने की आवाज़ें आती है। कुछ लगा वहाँ है वैसा। Hey guys, welcome back to vlogs of Nick। मेरे साथ है अंशु और चंदन भी है, और आज हमारे साथ व्लॉग में आया है स्मित। स्मित को भी हमारे साथ ले गए हैं। तो आज अपन जिस लोकेशन पे हैं, ये लोकेशन यहाँ छठ पूजा होता है अक्सर, इन देख सकते हैं आप यहाँ बोर्ड वोर्ड, इसके जस्ट बगल में ही है मुक्ति धाम। तो माना जाता था कि पहले कि यहाँ काफ़ी हॉरर एक्टिविटीज़ होती थी, यहाँ रहने के लिए मंदिर भी है अंदर में, लेकिन इस जगह में चुड़ैल देखे जाने का दावा किया जाता था कि और गाइस इधर आसपास शायद तक कोई सुसाइड हुआ किया था आसपास किसी पेड़ में। तो चलिए आज इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और पता लगाते हैं कि जगह वाकई में हॉन्टेड है कि नहीं। बने रहिए व्लॉग में गाइस। गाइस यहाँ एक मंदिर भी है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। यार कैसे करते हो तुम लोग? ये एक मंदिर है गाइस, ये शिव भगवान का एक मंदिर है। यहाँ मॉर्निंग में लोग जो नहाने आते हैं ना, पूजा वूजा करते हैं, शिव भगवान का एक मंदिर है गाइस। ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। और ये गाइस जो आपको बता रहा था ना, जो मुक्ति धाम, वो ये है गाइस। यहाँ से जस्ट पार होते हैं, मतलब ये जो बाउंड्री है उसके पार जस्ट वो है वो। ये आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस, इसके जस्ट पीछे ही है मुक्ति धाम, और आप देख सकते हो कितना अंधेरा है यहाँ। चलिए गाइस मैं बाउंड्री के पास जाके आपको मैं उस तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ। मैं गाइस तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ यही है मुक्ति धाम। तो हे गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि चुड़ैल एक जगह पे बैठती है यहाँ पर, तो अभी अपन उसी जगह पे हैं। ये देखिए पीछे आपको दिख रहा होगा वो वाला जगह, यहाँ पर उस चुड़ैल को देखे जाने का दावा किया जाता है। ये देख सकते हैं आप कितना डरावना है, जस्ट इसके नीचे ही पानी है। ये देखिए Thank you.
सो है गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया इस जगह के बारे में, तो मैं आपको यहाँ से जुड़ी एक और बात बता दूँ। माना जाता है कि अपने हिंदू धर्म में और किसी धर्म में कि छोटे बच्चों को अक्सर दफनाया जाता है, उनको जलाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी छोटे बच्चों को दफनाया गया है। यहाँ आपको जस्ट पीछे ही मुक्तिधाम है, यहाँ पर बच्चों की रोने की आवाज़ें आती हैं। आप देख सकते हो पीछे काफ़ी अंधेरा है, और ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, जस्ट इसके पीछे ही है मुक्तिधाम शमशान घाट। और अभी आपको हमने अंदर जाके दिखाया था, काफ़ी रिस्क हो सकता है अंदर जाने के लिए, तो अपन अंदर नहीं जाएंगे। भाई लोग भी बोल रहे हैं कि अंदर नहीं जाएंगे करके, तो रात भी काफ़ी हो जा रही है। तो फिलहाल अभी अपन आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, और आप देख सकते हैं अगल बगल को कितना अंधेरा है गाइस। तो मौसम भी ख़राब होने वाला है, बारिश होने वाला है। सो हे गाइस, तो आज का व्लॉग अपन यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा ये व्लॉग जरूर बताइएगा, और आपको आसपास कहीं हॉन्टेड जगह पता होगा, आसपास कॉलोनी या फिर गांव सिटी किसी भी एरिया हो में आपको पता होगा किसी हॉन्टेड लोकेशन के बारे में, तो हमको नीचे कमेंट कर। क्या हो गया भाई, कुछ लगा वहाँ है वैसा? तो आप जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स करके, हम उस जगह पे जाएंगे, उसके बारे में सुनेंगे, और हो सके तो वहाँ आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, लव यू ऑल। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितने आपके फ्रेंड्स होंगे रिलेटिव होंगे सबके सबको शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय।